स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये ट्रिम्बाको टिटन ब्लास्ट का नोवा मैच SBS वर्सेस PBR की टीम के बीच में खेला जाएगा, इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से बेहतरीन टीम बना पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेट एंड टाइम की बात करें तो ये मैच 20 नवंबर रात 9:30 बजे से सौ पार्क टोबागो में खेला जाएगा। मैच फॉर्मेट की बात करें T10 का ये फॉर्मेट रहने वाला है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो इस मैच की फाइनल टीम होगी वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही देने वाला हूँ। तो इस वजह से आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो ओवरऑल ये एक बैलेंस विकेट रहने वाला है। यहाँ का एवरेज स्कोर आप 100 से 120 रन्स के आसपास यहाँ पे मान के चल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, यानी कि स्पिनर्स से अच्छा यहाँ पे पेसर्स करते हैं, तो उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर अपनी टीम क्रिएट करना। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले बात करते हैं SBS की टीम के बारे में। तो SBS की टीम ने दोस्तों इस सीरीज में अभी तक एक ही मैच खेला है जिसमें से वो अपना ये मैच हार के आ रही है। अब हम लोग यहाँ पे SBS की टीम की प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टार्ट्स के बारे में जानेंगे, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना ताकि आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें अनिल खान की। T10 में अभी इन्होंने एक ही मैच खेला जो कि लास्ट मैच खेला, जिसमें 31 रन की इन्होंने पारी खेली। तो इनको आप लोग पिक करना चाहो कर सकते हो, लास्ट मैच में ठीक ठाक टच में लग रहे थे। हालांकि 31 रन इन्होंने काफ़ी मतलब ज़्यादा तेजी से खेल के नहीं बनाए थे, ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा स्लो खेला था, पर आप लोग पिक करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है। जैसे भूटान की बात करें, राइटी बैटर है, 23 का एवरेज और अच्छे प्लेयर है, अच्छी हिटिंग करते हैं। लास्ट मैच में जरूर जीरो पर गए, पर ओवरऑल दोस्तों ये अच्छे खिलाड़ी हैं। डॉगलस मैं यहाँ पे मस्ट पिक रहेंगे, राइटी बैटर है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग डालते हैं, 60 मैच T10 के खेले हैं, 1200 से ज़्यादा रन, 27 का एवरेज, 36 विकेट। लास्ट मैच में यहाँ पे 0+0 विकेट, 1 ओवर, यानी कि लास्ट मैच में कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, पर दोस्तों ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनको अपनी टीम में लेके जरूर चलना और आप लोग इनको CVC भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बात करें टेरेंस हिंट्स की, इनका देखोगे राइटी बैटर है, राइटर मीडियम बॉलिंग डालते हैं, 35 मैच में 515 रन हैं, 27 का एवरेज है, 23 विकेट है। ओवरऑल दोस्तों काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। लास्ट मैच में भी अगर आप देखोगे तो 47 रन की इन्होंने पारी खेली पर बॉलिंग नहीं कराई थी, तो ये इनका कहना यहाँ पे मुश्किल रहेगा बॉलिंग कराएंगे या नहीं, क्योंकि लास्ट मैच में नहीं कराई, पर ओवरऑल दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पे बॉलिंग भी कराई है और विकेट भी निकाले। तो मेरे हिसाब से हो सकता है इस मैच में आपको बॉलिंग करते हुए भी दिख जाए, और लास्ट मैच में यहाँ पे बैटिंग से तो काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं और लास्ट मैच में हमारे कैप्टन भी थे, अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको पता होगा। इसके अलावा दोस्तों पे जबरी मिल्स हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेफ्टी बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 18 मैच में 35 रन हैं, 9 विकेट हैं, पर अभी बॉलिंग नहीं कराएंगे क्योंकि विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग कराने का तो चांस ही नहीं बनता है। तो इनको अगर आप लोग ले रहे हो तो सिर्फ बैटिंग से लेना, और बैटिंग से इनका कुछ खास है नहीं, तो ओवरऑल ये उतने अच्छे यहाँ पे स्मॉल लीग के लिए नहीं रहेंगे। हालांकि विकेट कीपिंग नहीं करते तो इनको आप लोग GL की टीम में जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि ये हो सकता है फिर उस केस में बॉलिंग करा जाए। एंटोनी प्रोविडेंस का देखोगे, इन्होंने अभी एक ही मैच खेला जिसमें लास्ट मैच में ना इनको बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली, तो इनको यहाँ पे लेना नहीं है। सफीक सैफर्ड की दोस्तों बात करें तो इन्होंने यहाँ पे ठीक ठाक किया था, लास्ट मैच के लिए 2 ओवर की पूरी बॉलिंग कराई और ये विकेट भी निकाला, तो इनको आप लोग पिक कर सकते हो क्योंकि 2 ओवर कराए थे, तो ये हो सकता है फिर से 2 ओवर करा जाएं। डेमियन रमसे की बात करें, ऑफ स्पिन बॉलिंग डालते हैं, लास्ट मैच में बॉलिंग बैटिंग कुछ मिली नहीं थी। कैलोन लेंच का देखोगे, राइट एंड फास्ट बॉलिंग है और लास्ट मैच में भी लगभग यहाँ पे 2 ओवर की पूरी बॉलिंग कराई, तो ये भी आपके ठीक ठाक पिक बन सकते हैं। जॉन रस जगसर दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि मैन बॉलर हैं, 37 मैच में 31 विकेट है, 2 ओवर कन्फर्म आपको देंगे और ओवरऑल अच्छा स्टार्ट भी रखते हैं। डेनियल कूपर 2 मैच T10 के खेले हैं जिसमें 0 विकेट है, लास्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी, विकेट नहीं मिला था, तो ये है। अब यहाँ पर दोस्तों जिनके बेंच पर बैठने वाले हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मार्क डेल खेल जाते हैं, मस्ट पिक रहेंगे अपनी टीम में लेके, हम इनको जरूर चलेंगे और इनको फिर हम लोग CVC भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखोगे 39 मैच में 400 से ज़्यादा रन है, 17 का एवरेज है, 31 विकेट है, अच्छी खासी हिटिंग भी करते हैं और अगर खेलेंगे तो मेरे हिसाब से 2 ओवर भी आपको देने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अकीम चंदलर की बात करें, 4 मैच T10 के खेले हैं, 2 विकेट निकाल चुके हैं और बॉलिंग भी यहाँ पे ठीक ठाक इन्होंने कराई है, तो खेल जाते हैं, ट्राई कर सकते हो। डुआने मुरे का देखोगे, यहाँ पे लेफ्टी बैटर है, राइटर मीडियम बॉलिंग डालते हैं, T20 में अभी इन्होंने 1 मैच खेला जिसमें 16 रन है, 16 का एवरेज है,
जीरो विकेट है। यानी कि अगर ये खेलते हैं तो T10 में पहली बार खेलेंगे। T20 में इन्होंने अभी एक मैच खेला जिसमें 16 रन बनाए और विकेट नहीं मिला है, बॉलिंग भी इन्होंने कराई है। तो खेल जाते हैं, ध्यान आप लोग इन पर दे सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं PBR की टीम के बारे में। तो दोस्तों PBR की टीम ने इस सीरीज में अभी तक 2 मैच खेले हैं जिसमें से एक मैच ही अपना जीत के आ रही है और एक मैच बारिश की वजह से नॉट रिजल्ट रहा है। अब हम लोग यहाँ पे PBR की टीम की प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टार्ट्स के बारे में जानेंगे, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें थर्टॉन की, क्रिस्टन थर्टॉन, इनकी बात करें। राइटी बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं। अगर आप इनका ओवरऑल देखोगे T10 में 16 इन्होंने मैच खेले हैं जिसमें 63 रन हैं, पर दोस्तों लास्ट मैच में ये बॉलिंग भी करा गए थे, पूरे 2 ओवर की बॉलिंग कराई थी और एक विकेट भी निकाला था। आपको ये विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे, पर इन्होंने लास्ट मैच में बॉलिंग कराई थी और ओपनिंग करने भी आए थे, तो इस वजह से इन पर आप लोग ध्यान दे सकते हो और विकेट कीपिंग में मेरे हिसाब से यही अच्छे ऑप्शन रहेंगे। इनके अलावा यहाँ पे नवीन स्टीवर्ट हैं, अपने टीम के कैप्टन है, राइटी बैटर, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग डालते हैं, ओवरऑल काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं। अगर आप इनका देखोगे तो लास्ट मैच में 55 बनाए, बॉलिंग नहीं कराई, उससे पहले यहाँ पे एक ओवर की बॉलिंग कराई थी। उससे पहले जो मैच हुआ था जो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था उसमें इन्होंने एक ओवर की बॉलिंग कराई थी, विकेट नहीं मिला था। पर दोस्तों ओवरऑल अगर इनकी बात करें तो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, वैसे ये 2 ओवर भी कराते हैं, पर लास्ट मैच में यहाँ पे इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, तो इस वजह से कहना मुश्किल है बॉलिंग कराएंगे या नहीं, पर ओवरऑल काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, अपनी टीम में लेके जरूर चलना और CVC भी ट्राई कर सकते हो। खैरी पिर्री की दोस्तों बात करें, लेफ्टी बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते हैं, 34 मैच में 77 रन हैं, 19 विकेट है। इनका आप देखोगे लास्ट मैच में एक ओवर डाला, काफ़ी पिटाई हो गई थी, इस वजह से एक ही ओवर मिला। उससे पहले भी यहाँ पे एक ओवर मिला था, पर ये बारिश की वजह से मैच सिर्फ 5 ओवर का हो पाया था, इस वजह से एक ओवर कराया, वैसे ये 2 ओवर कराते हैं और ओवरऑल अच्छे प्लेयर। अगर आप इनका देखोगे तो लास्ट मैच में बैटिंग करने भी ये 1 डाउन पर आ गए थे, तो इनको आप लोग अपनी टीम में लेके चलना और इनको आप लोग CVC भी ट्राई कर सकते हो फर्स्ट इनिंग में। इसके अलावा यहाँ पर इवार्ड निकोलसन है, राइटी बैटर है, 19 मैच में 349 रन, 23 का एवरेज, तो इनको भी आप लोग फर्स्ट बैटिंग में ट्राई कर सकते हो। बैटिंग थोड़ी सी नीचे आएगी पर ये भी अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं, लास्ट मैच भी 29 रन इन्होंने बनाए थे। नाथन मैकडेविड का देखोगे एक मैच खेला T10 में 0 विकेट, और लास्ट मैच में यहाँ पे अगर इनका देखोगे तो 13 रन भी इन्होंने बनाए थे, एक ओवर की बॉलिंग भी कराई थी जिसमें विकेट नहीं मिला, उससे पहले यहाँ पे बैटिंग या बॉलिंग कुछ ही नहीं मिली थी। इसके अलावा यहाँ पे सैमन हूपर हैं, लेफ्टी बैटर, ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं और ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, हालांकि लास्ट मैच में इनको बैटिंग नहीं मिली थी, पर दोस्तों ये ओपनिंग भी करते हैं और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, तो ओवरऑल इनको आप लोग अपनी टीम में लेके जरूर चलना। बाकी यहाँ पे थेसन एलेने हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इनका अगर आप देखोगे लास्ट में जो बैटिंग बॉलिंग कुछ मिली नहीं, बॉलिंग तो नहीं मिलेगी क्योंकि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, पर इनको लास्ट में जो बैटिंग भी यहाँ पे नहीं मिली थी। जेवियर रीड का देखोगे लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 11 मैच में 45 रन, 9 विकेट, ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्टार्ट रखते हैं, पर 2 मैच जो इस सीरीज में खेले हैं एक भी मैच में इनको बॉलिंग नहीं दी गई और ना बैटिंग आई है, तो इनको भी आप लोग एक आध GL की टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर बॉलिंग करा गए एक आध विकेट ले गए तो आपके GL के अच्छे पिक बन जाएंगे, बाकी स्मॉल लीग में मत लेना, अभी स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे शकली डंकन है, 6 मैच खेले हैं जिसमें ना इनको बैटिंग मिली है ना बॉलिंग मिली है, तो ओनली ये फील्डिंग के लिए खेल रहे हैं, इनको भी यहाँ पे नहीं लेना है। मार्लॉन रिचर्ड्स दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 19 मैच में 84 रन हैं, 10 विकेट है, विकेट उतने ज़्यादा नहीं निकाले पर 2-2 ओवर ये करा रहे हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। सैरोन लेविस का देखोगे 32 मैच में 20 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं, इस सीरीज में देखोगे 2 मैच में 4 ओवर की बॉलिंग कराई है और 2 विकेट भी निकाले, लास्ट मैच में विकेट लेस रहे थे पर उससे पहले 2 विकेट निकाल के आ रहे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और अपने टीम के मैन बॉलर हैं। बाकी दोस्तों जो इनके बेंच पर बैठे हैं उनके बारे में बात करें तो बैटर्स इन्होंने एक ही मैच खेला जिसमें इनको बैटिंग बॉलिंग मिली नहीं है। इवन लेविस दोस्तों खेल जाते हैं, मस्ट पिक रहेंगे, वेस्ट इंडीज के लिए भी खेलते हैं और ओवरऑल काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। इनके अलावा यहाँ पे लेरोन लेजमा है, लेफ्टी बैटर, ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, तो इनका भी आप लोग यहाँ पे देख के चल सकते हो, यानी कि अगर खेलेंगे तो पहली बार ही खेलने वाले, इनका अभी तक स्टार्ट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सबके बारे में जान लिया, अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं जो फिलहाल मैंने इस मैच की आप लोगों के लिए बनाई हुई है, पर फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना क्योंकि टॉस के बाद फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो
यहाँ पे दोस्तों मैंने विकेट कीपिंग में थर्टोन को ही लिया और यही बेस्ट ऑप्शन है। मेल्स यहाँ पे काफी नीचे आने वाले हैं और विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर आप इनका बैटिंग से देखोगे तो एक एवरेज प्लेयर है, पर दोस्तों ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा लेते हैं, तो अगर ये विकेट कीपिंग नहीं करते हैं तो उस केस में आप लोग इनको जीएल में ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे रहेंगे नहीं। अलियाने का भी यहाँ पे कुछ खास है नहीं, तो यहाँ पे इनको ट्राई नहीं करना है, तो यहाँ पे थर्टोन बेस्ट है, स्मॉल लीग में इनको ही लेके चलना है। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों मैंने यहाँ पे हुपर को लिया, इनके अलावा बूटान को लिया और यहाँ पे डॉगलस को लिया, तीनों इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे तीनों को लिया है। बाकी यहाँ पे निकोलसन को भी आप लोग फर्स्ट बैटिंग में ट्राई कर सकते हो, टू राउंड पे बैटिंग करते हुए देखेंगे अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। एक खान लास्ट मैच में ठीक ठाक करके आ रहे हैं, 30 प्लस रन की पारी रही थी, इनको भी आप लोग पिक कर सकते हो। लेविस खेलते हैं, मस्ट पिक रहेंगे। डंकन की दोस्तों बात करें तो इनका भी कुछ खास है नहीं, तो यहाँ पे इनको भी ट्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास, ये चार बेस्ट ऑप्शन है, इनमें से आप लोग जिसको ट्राई करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने इन तीनों को लिया। अब यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मैंने चार ऑलराउंडर्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने स्टीवर्ट को लिया है, हिंट्स को लिया है, पेरी को लिया और यहाँ पे शेफर्ड को लिया है। शेफर्ड ने लास्ट मैच में दो ओवर की बॉलिंग कराई, हालांकि ये भी टी10 में पहली बार ही खेल रहा है, पर लास्ट मैच में दो ओवर की बॉलिंग कराई और विकेट भी लेके गए, ठीक ठाक बॉलिंग भी कराई थी, तो इस वजह से मैंने फिलहाल के लिए इनको भी पिक किया। अब अगर यहाँ पे डेल खेल जाते हैं तो मैं इनकी जगह फिर डेल को ले लूंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोविडेंस लास्ट मैच में ना बैटिंग बॉलिंग मिली नहीं थी, जीएल की टीम में रोटेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे स्मॉल लीग के लिए चार बेस्ट है, मैंने फिलहाल के लिए इनको ही लिया है। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों मैंने यहाँ पे जगशर को लिया है, रिचर्ड्स को लिया है, लेविस को लिया है, तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, दो दो ओवर आपको देने वाले हैं और अपने टीम के मेन बॉलर है, तो मैंने यहाँ पे इनको लिया है। मक डेविड दोस्तों आपके जीएल के काफ़ी अच्छी पिक रहेंगे, ये थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और लास्ट मैच में एक ओवर की बॉलिंग भी कराई थी, तो जीएल की टीम में ट्राई कर लेना। लिंच ने भी यहाँ पे दो ओवर पूरे कराए थे, लिंच ने भी पूरे दो ओवर की बॉलिंग कराई थी, इनको आप लोग पिक करना चाहो तो इनको स्मॉल लीग में भी कर सकते हो। हालांकि अगर आप लोग इनको पिक कर रहे हैं तो फर्स्ट बॉलिंग में करना, फर्स्ट बॉलिंग में थोड़े से सेफ रहेंगे। बाकी यहाँ पे चैंडलर खेलते हैं तो एक एवरेज ऑप्शन है, बाकी नीचे यहाँ पे कोई खास है नहीं। रीड का हालांकि ठीक ठाक स्टार्ट है, पर इनको बैटिंग बॉलिंग मिल नहीं रही है, तो जीएल की टीम में रोटेट कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग के लिए कोई खास नहीं है। अब यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए इन तीनों को ही लिया, तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे सीवीसी ऑप्शन की पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कैप्टनसी तो मैं इनको ही देने वाला हूँ, हालांकि लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, पर ओवरऑल दोस्तों काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं और लास्ट मैच में बैटिंग से काफ़ी अच्छा किया, 50 प्लस रन की पारी रही थी, तो कैप्टनसी मैंने यहाँ पे इनको ही दिया। अब वाइस कैप्टनसी की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपके पास यहाँ पर पैरी का ऑप्शन रहेगा, इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ पे पैरी ऑप्शन रहेंगे, हिंट्स रहेंगे और डॉगलस, ये तीन बेस्ट ऑप्शन वीसी के रहेंगे, आप लोग जिसको करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इस मैच में अपनी वाइस कैप्टनसी यहाँ पे डॉगलस को दी है, अब क्योंकि डॉगलस आपको वन डाउन पे बैटिंग करते हुए भी देखेंगे और अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, तो सीवीसी मैंने फिलहाल के लिए इन दोनों को किया है। अगर इस टीम में दोस्तों कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।